हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सुनैना है। कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे बच्चों की क्लास एडमिशन्स के बारे में, क्योंकि अब रिजल्ट निकल चुके हैं और बच्चे जाने वाले हैं नई क्लासेस में, और कुछ फ्रेश बच्चे जो प्ले वे से सीधा जाएंगे नर्सरी मेन स्कूल में, और काफ़ी एक्साइटेड हैं वो बच्चे जो ऑलरेडी मेन स्कूल में हैं और वो नई क्लास में जाएंगे। उन्हें एक्साइटमेंट है नई बैग की, नई बुक्स की, नया पेंसिल बॉक्स और नई नई प्यारे साफ़ सुथरी किताबें जिन्हें वो पूरा साल पढ़ेंगे और अच्छे खासा पढ़ेंगे। लेकिन जो पेरेंट्स अभी प्ले वे में उनके बच्चे हैं, अभी वो जाएंगे अप्रैल से न्यू स्कूल में, और नए न्यू स्कूल में जाएंगे तो उन्हें लगता है पहले प्ले वे में जाते थे, खुद छोड़ने जाते थे, लेके जाने जाते, एक कोऑर्डिनेशन रहता है टीचर्स का पेरेंट्स के साथ, रोज़ का डेली एक तरह का मीट रहता है छोटा सा। लेकिन जब वो मेन स्कूल में जाते हैं उन्हें डर रहता है पेरेंट्स को, यार नए स्कूल में मेरा बच्चा कैसे एडजस्ट कर पाएगा, बहुत बच्चे होंगे, इतने सेक्शन हैं, 40 बच्चे हैं क्लास में, कैसे एडजस्ट कर पाएगा वो, अप वो सेफ तो रहेगा नहीं, अच्छे से हो जाएगा, रोएगा तो नहीं, सो चीज़ें होती हैं। आज हम इसके बारे में ही बात करेंगे। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बींग अ पेरेंट्स आपको टेंशन रहता है अभी भी, अगर हमारा बच्चा स्कूल से चाहे वो फर्स्ट में है सेकंड में है, अगर 10 मिनट भी लेट हो जाते हैं ना तो बहुत टेंशन रहता है, ये सब पेरेंट्स के साथ है। और आपका बच्चा तो अभी नर्सरी में जाएगा तो आपको तो ऑब्वियसली टेंशन रहेगा कि मैं जिन हैंड्स में मैं अपने बच्चे को हैंड ओवर कर रही हूँ वो सेफ है कि नहीं, मेरे बच्चे के लिए वो इन्वायरमेंट अच्छा है कि नहीं, बट दैट्स पार्ट। बट आपको अगर आपने जो स्कूल चूज़ किया है तो आपने पूरा एक अच्छे से पूछा होगा, एक इंक्वायरी की होगी, उसके बाद चूज़ किया है, आपने बेस्ट चूज़ किया होगा अपने बच्चे के लिए। दूसरा, जब भी आप अपनी एक्साइटमेंट को के ऊपर टेंशन को हावी मत होने दीजिए, अपनी एक्साइटमेंट को बना के रखिए, और वही एक्साइटमेंट आपके बच्चे को हेल्प करेगा नए स्कूल में नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए, क्योंकि ये आपकी बातों से एक पॉजिटिविटी उस बच्चे में आएगी। आप अब जैसे अब बच्चा जाने वाला नर्सरी स्कूल में, ठीक है, आपको पता है अब आप प्री स्कूल का सेक्शन ख़त्म हो गया, एग्ज़ाम्स हो गए, रिजल्ट आ गया, अब आपको मेन स्कूल में जाना है, तो आपको उसे एक्साइटेड करके, वाओ न्यू स्कूल न्यू बुक्स, अरे नया टिफिन, कौन सा टिफिन लोगे आप, या कौन सा पेंसिल बुक, वो आप क्रिएट करके रखोगे। दूसरा, अगर तो आपका बच्चा प्ले स्कूल में जा रहा है तो इतना तंग नहीं होंगे आप, और इतना तंग आपका बच्चा नहीं होगा, वो इस बड़े ईजिली उन लोगों के साथ जेल करेगा और इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। बट अगर हमने बच्चा पहले ही अपने जो घर के इन्वायरमेंट से बाहर नहीं निकाला है, अगर हमारा बच्चा प्ले वे में नहीं जा रहा है, देन इट्स ऑब्वियस कि हमारा बच्चा थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा और हमारे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा एज ए पेरेंट कि यार बच्चे हमसे थोड़ा सा दूर जाएंगे जब बच्चा नया इन्वायरमेंट में जाएगा, क्योंकि प्ले वे जो अगर हम प्ले वे में भेज देते हैं तो हमारा बच्चा ऑलरेडी उस इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है, अगर हमारा बच्चा प्ले वे में नहीं जाता है तो वो इन्वायरमेंट वो फेस नहीं कर रहा है। बट अब एडमिशन हो चुका है और हमें बच्चे को नर्सरी क्लास में भेजना है, तो बच्चे में एक्साइटमेंट बना के रखो, अपनी टेंशन को बच्चे के ऊपर हावी मत रखो, जब भी उससे बात करो एक्साइटमेंट से चमक होनी चाहिए आपकी आंखों में जब आप बच्चे से बात करते हो, और एक वाओ फैक्टर होना चाहिए, वाओ न्यू स्कूल, वो आप क्रिएट करोगे। देखना, आपने 3-4 बार बोला, जब वो भी बोलेगा ना वाओ मम्मा न्यू स्कूल, बच्चे को जब अभी देखिए नई बुक्स आप लेंगे, नई कॉपीज लेंगे, बैग लेंगे, बच्चे को साथ लेके जाइए, बैग उसे चॉइस दीजिए, लेट हिम चूज कि वो कौन सा बैग लेना चाहता है, टिफिन लेना है तो बच्चे को टिफिन उसकी चॉइस का लेने दीजिए, पेंसिल बॉक्स और रेजर का बच्चों को बहुत एक होता है, शॉर्पनर बच्चों के लिए, कलर क्या लेना चाहिए, वाटर बॉटल, एक तरह का एक्साइटमेंट हो जाता है। लेकिन जो और इसके साथ साथ अगर आपका बच्चा प्ले वे में नहीं जा रहा है, आपका बच्चा सीधा ही नर्सरी में जा रहा है, तो आप बच्चे के साथ थोड़ा सा कुछ राइम्स उन्हें करवाइए, नंबर बुक्स रीड करवाइए, इंग्लिश के लेटर्स उन्हें बताइए और रीड करवाना शुरू कर दीजिए बुक, ताकि आगे जाके वो ईजिली एडजस्ट करे अपने आप को इन्वायरमेंट। अगर मैं अपने बेटे की बात करूँ, मेरा बेटा अभी फर्स्ट से सेकंड में शिफ्ट होने वाला है, तो क्योंकि उसे पता है कि अभी मेरा रिजल्ट आने वाला है और मैं अभी सेकंड क्लास में जाऊंगा, तो वो इतना एक्साइटेड है, उसने जो शॉपिंग की है, जो भी उसने खरीदा, उसने अपनी चॉइस का खरीदा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वाटर बॉटल वो लेके आए हैं उनकी चॉइस का है, एक टिफिन है, एंड ये टिफिन क्योंकि उस ये स्पाइडरमैन बना हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि वो स्पाइडरमैन के बहुत बड़े फैन है, कार ये देखिए हर चीज़ में कार्टून्स हैं, क्योंकि इसमें मिकी माउस है, और क्योंकि वो कारों के शौकीन है तो एक कार,
मैं हमेशा अपने बच्चा, जब भी मेरा बच्चा नर्सरी में भी था तब भी उसके पास एक ऐसा बोर्ड ज़रूर होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि चाहे वो टेबल्स होते हैं, ये बोर्ड उन्हें हेल्प करता है, एक उनको बेस देता है लिखने में, कलर करने में। तो मैं हमेशा अपने बच्चे को एक ऐसा बोर्ड ज़रूर देती हूँ, फर्स्ट में भी था, केजी में भी था, नर्सरी में था, हमेशा उसके पास एक बोर्ड रहता है, उसको लिखने में और कलर करने में बहुत हेल्प मिलती है। और एक उन्होंने ख़रीदा है अपना एक स्कूल बैग, और ये सब उनकी चॉइस का है। एक एक तरह का एक्साइटमेंट होती है, हम भी चाहें तो जाके परचेज करके उन्हें दे सकते हैं, बट क्योंकि उन्होंने खुद चूज़ किया है तो एक एक्साइटमेंट है बच्चों में। जहाँ तक नर्सरी के बच्चे हैं उनको ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, उन्हें थोड़ा ज़्यादा पैम्पर करिए, उन्हें ज़्यादा चॉइसेस दीजिए, ज़्यादा उनके साथ घूमिए, उनकी ड्रेस लेने जाएँ, उन्हें उन्हें लेट लेट देम ट्राई, वहाँ पर ट्राई करेंगे तो एक उन्हें एक प्यार हो जाता है। और जब मेरे बच्चे का नर्सरी एडमिशन हुआ था और जब वो हम लोग अब लीव करेंगे, वो जब मैं उनकी ड्रेस मैं लेने गई थी अपने बेबी के लिए, तो वो जब घर आए थे वो ड्रेस पहन के आया था और बैग में बुक्स थी उसकी, पेंसिल बॉक्स और अपना लंच लंच बॉक्स सब उसने बैग में डाला था, वो पहन के ही घर आया था। इतनी एक्साइटमेंट होती है बच्चों को। ये भी आप ट्राई करिए और अपनी एक्साइटमेंट को बना के रखिए, वो आपके बच्चे को बहुत हेल्प करेगा। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगा, और प्लीज़ लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।